अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मौजूदा सामीन हजरात, आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस नंबर 87। मौजूदा सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हमारे रास्ते और पड़ाव तयशुदा थे, ताहम सफ़र की रफ्तार का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि सालवे नदी तक 7 रोज़ का सफ़र 4 दिन में तय हुआ और हमारे चीनी साथी यंगसी ने हमारे साथ हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया था, जहाँ कलकत्ते में इसका एक करीबी ख़ानदान शिंगाई के कपड़ों की तजारत करता था। वो कलकत्ता से बहरी जहाज के लिए चीन जाना चाहता था। सालवे नदी से हमने जनूबी तिब्बत की गारू बस्ती का रुख किया और जब वहाँ पहुँचे तो गारू कबीले के लोग 15 बरस के बाद अपने सरदार जुलाई, बिंदु और दूसरे मुसाफिरों को देखकर खुशी से नाचने लगे। इनकी जुबानी इस बात की तस्दीक हो गई कि 14-15 बरस कबल बोधी यहाँ पहुँचा, मगर कुछ बोल ना सकता था, न कुछ बता सकता था। इसकी हालत देख कर खौफ आता था। वो कुछ अरसा इसकी दवादारू करते रहे कि शायद इससे कुछ मालूम हो सके, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गया और तलाश के बावजूद ना मिल सका। अब वो बोधी को भला चंगा हमारे साथ देखकर हैरान रह गए और बताने लगे, शायद 14-15 बरस पहले उन्होंने बोधी की बजाय इसका भूत देखा था। हमने वो रात गरु बस्ती में बसर की सरदार जुलाई की और इसके आदमियों के अलावा जो सफर में शरीक थे, बंजन लामा, वीरान मंदिर के दो बासियों और मोरों को भी वहीं हमसे जुदा होना था, क्योंकि वो इसी रास्ते नेपाल जाना चाहता था जिस रास्ते 15 बरस कबल शमशीर जंग के साथ शिकार खेलने वीरान मंदिर की तरफ आया था। अलबत्ता शमशीर जंग स्टीला के हमरा लाहौर जा रहा था। सामईन जानते हैं कि मौत की वादी से मुझे कुछ कीमती पत्थर मिले थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी कीमत तो 9-10 लाख रुपए से कम ना थी। मैंने सोच लिया था इन्हें कलकत्ते में फरोख्त करूंगा और सारी रकम अपने अब्बू और इसके साथियों पर बराबर बांट दूंगा। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की रकम हर एक के हिस्से में आ सकती थी। और सन 1928-29 के ज़माने में 15-20 हज़ार रुपये की रकम बहुत होती थी। दूसरी सुबह जब हम गारू बस्ती से रवाना होने लगे और अब्बू, मोरंग, बंजन लामा और सरदार जुलाई और दूसरे लोगों से रुख्सत हो लिए, मैं अब्दुल को लेकर सबसे पहले सरदार जुलाई के पास गया और कहा, सरदार जुलाई, रुख्सत होने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि जो फरमाइश करूँगा तुम पूरा करोगे। वो हैरान हुआ कि न जाने मैं क्या फरमाइश करने वाला हूँ, तहम इसने वचन दिया कि मेरा कहा पूरा करेगा। तब मैंने कहा, थोड़े अरसे के बाद अब्दुल फिर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें मेरी तरफ से एक चीज़ देगा। तुम वो चीज़ अपने बिंदु और दूसरे गारू साथियों में जो सफ़र में तुम्हारे साथ थे बराबर बराबर बांट दोगे। सरदार जुलाई समझ गया कि मैं कुछ मुआवजा भेजूंगा। बोला, छोटे साहिब, वैश्यों के इलाके की तरफ सफ़र मैंने किसी इनाम या मुआवजे के लिए नहीं किया था, वो मेरा इंतकाम था। अगर मैं मौत की वादी में फंस गया तो ये मेरे लेख थे। हाँ, जो वचन दे चुका हूँ पूरा करूँगा। फिर मैंने बूढ़े बंजन और मोरंग से भी अलग अलग ऐसा ही वादा लिया। बंजन लामा ने कहा, नासिर और दूसरे लोगों की मुसीबत का बाइस मैं हूँ। ना मैं वैश्यों को आदमखोर देवता का जिक्र करता, ना पार्टी मेरी और सरदार जुलाई की रहनुमाई में मौत के रास्तों का सफ़र करती, फिर भी हमने दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और आखिर इंसानी कुर्बानी की लानती रस्म ख़त्म करने में कामयाब हुए। यही हमारी कामयाबी है और सारी मुसीबतों का सिला है। बुजुर्ग बंजन, आप इंसान दोस्ती के नाते वीरान मंदिर में रोशनी करते और भूले भटके मुसाफिरों के काम आते थे। मैं चाहता हूँ इस मंदिर को रोशनी का मीनार बना दिया जाए। अब्दुल आपके पास भी आएगा और आपको कुछ पेश करेगा, इसे मंदिर की तामीर पर सर्व कीजिए। मोरंग से मैंने खटमंडू का पता लिया और कहा, मोरंग चचा, आपके पास अब्दुल तो नहीं आएगा, डाकिया आएगा, जो कुछ पेश करेगा शायद इससे आपको एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। इस तरह मैंने अब्बू के साथियों को खैरबाद कही। गारू बस्ती से हमारा अगला पड़ाव कुकी कबीला था। कुछ अरसा पहले जब हम घूमी सरदार और कपाला सरदारनी के हमरा एक कठिन सफर पर रवाना हुए, वो अपने पीछे बाली को कबीले की मुख्तार और एक बूढ़े कुकी को इसका मुशीर बना गए थे, मगर सफर से लौटे तो सूरत बदल चुकी थी। अब न घूमी सरदार था, न कपाला सरदारनी थी, बल्कि दोनों सोंगा सरदार की अरवल में थे। हम तीसरे पैर पहाड़ों से घिरी बस्ती में दाखिल हुए तो कुकी लोग काफिले को देखकर हमारी तरफ लपके, मगर काफिले के आगे आगे सोंगा मोंगा को देखकर मारे हैरत के ठिठक गए। कपाल और घूमी दाएं बाएं चल रहे थे और सोंगा मोंगा अपने बाजू पर सरदारी का कड़ा नंगा कर रखा था ताकि सब लोग देख लें। इतने सालों के बाद कुकी भाइयों की वापसी बजाय खुद किसी अचंभे से कम ना थी, क्योंकि कबीले वाले समझते थे जिस पार्टी के साथ वो गए इस पार्टी पर कोई हादसा गुजर चुका है और पार्टी के साथ वो भी कहीं मर खप गए होंगे। मगर सोंगा मोंगा के पीछे वो पार्टी भी दिखाई दी जो 15 बरस पहले कुकी सरदार की रहनुमाई में गारों के शहर की तरफ रवाना हुई थी। हैरत और खुशी से इनकी चीखें निकल गए और कुछ लोग वापस भागे कि कबीले वालों को इस अचंभे की खबर दे सकें। सोंगा मोंगा और इनकी पार्टी के वापस आने की खबर जंगल की आग की तरह आनन फानन पूरी बस्ती में फैल गई और कुकी मर्द, औरतें, लड़के बाले हमें देखने के लिए उमड़ आए। घूमबी की बड़ी बहन बाली ने अपने मुशीर और दूसरे लोगों के साथ सरदार के डेरे पर हमारा स्वागत किया जहाँ लोग जमा हो चुके थे। कपाले इस हजूम में खड़ी हुई और अपने हाथ उठाकर कहने लगी, हम लोग सोंगा मोंगा और इनके साथियों को ढूंढ लाए हैं
और अब सोंगा हमारा सरदार है। तुम इसके बाजू पर सरदारी का कड़ा देख रहे हो। ये कड़ा मेरे बापू ने मरने से पहले सोंगा को दिया और इसे कबीले का सरदार बनाया था। मैंने और घूमी ने भी सोंगा को अपना सरदार मान लिया है क्योंकि वो सोंगा बहादुर और सूरमा है। मैं चाहती हूँ आगे को कुकी कबीले में सरदारी का कोई झगड़ा ना हो। तुम भी सोंगा को अपना सरदार मान लो और मुझे वचन दो कि सोंगा सरदार के वफादार रहोगे। ये सुनते ही कुकी लोग क्या मर्द क्या औरतें क्या लड़के बाले सब के सब सोंगा के सामने झुक गए और इसने कड़े वाला बाजू बुलंद करके अपनी खुशनुदी का इजहार किया। मैं पहले कहीं बताया हूँ कि कबीले में सोंगा मोंगा के हमायती भी थे मगर कुकी सरदार से डरते और कुछ बोल ना सकते थे क्योंकि वो अपने जादू से चलने फिरते आदमियों को गायब कर देता था। अब वो खुद गायब हो चुका था और मौत इसे घसीट कर ले गई थी। अब किसी को अपने गायब होने का धड़का ना था। इसे लोगों ने सोंगा की सरदारी पर खुशी के नारे लगाए मगर एक बात का दुख सबको था कि कपाला जैसी सुंदर औरत इनकी सरदारी नहीं रही। कुकी लोग इसे पसंद करते थे, वो लोगों के दुख बांट लेती, उन्हें नया हौसला देती थी। मैंने इनके चेहरों और आंखों से दिनों की झांकती बेचैनी देखी और खुद भी महसूस किया कि कपाला जैसी औरत से सरदारनी का एजाज छिन जाना अफसोसनाक है। अचानक जहन में एक नया ख्याल बिजली के कोंदे की तरह लपकता चला गया और मेरे अंदर कुछ धमाके से होने लगे। मैं अपने दोनों हाथ लहराता उठा और अब्दुल कजरी कुकी लोगों से मुखातिब हुआ। मैंने देखा है तुम लोग सोंगा की सरदारी पर तो बड़े खुश हो क्योंकि ये सोंगा का हक था जो इसे मिल गया, मगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि अब कपाला तुम्हारी सरदारी नहीं रही। जब अब्दुल ने आसाम की कबायली बोली में मेरी बात नहीं सुनाई तो भैया का आवाज़ मेरे ख्याल की तायद करने लगे। वो बूढ़ा कुकी जो बाली का सलाहकार रहा खड़ा हो गया और बोला, हम सोंगा की सरदारी पर खुश हैं मगर कपाला को भी सरदारी देखना चाहते हैं। तो फिर ये बात क्यों पूरी हो सकती है कि घूमी कपाला को छोड़ दे और सोंगा इसके साथ ब्याह कर ले। ये सुनते ही उधर सोंगा के चेहरे पर इधर कपाला के गालों पर सुर्खी दौड़ गई जिसे मैंने दोनों के दिल की बात कह दी थी। सोंगा फौरन खड़ा हुआ ऐलान किया, अगर कपाला चाहे तो मैं इसे इसके साथ ब्याह करने पर राजी हूँ। लोग खुशी से उछलने लगे। अब सिर्फ कपालों को अपनी रजामंदी का इजहार करना था और इसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मैं घूमी की पत्नी और इसके दो बच्चों की माँ हूँ। अगर लोग चाहते हैं कि अब मैं सोंगा सरदार की पत्नी बनूँ तो मैं सोंगा को पसंद करती हूँ। कुकी लोग कपाला का फैसला सुनकर खुश हो गए मगर घूमी हैरान और शशदर सा कभी कपालों को देखता कभी सोंगा को। मैंने इसकी परेशानी बेजानी भाप ली। कपाला सोंगा के साथ उस वक्त तक ब्याह नहीं कर सकती थी जब तक घूमी रिवाज के मुताबिक इससे दस्तबरदार ना हो जाता। अब मैं घूमी से मुखातिब हुआ कि वो कोई गलत फैसला ना कर दे। अगर वो कपाला को छोड़ने पर तैयार ना होता तो मामला बिगड़ सकता था। घूमी तुमने सुन लिया कि लोग कपाला और सोंगा का ब्याह चाहते हैं, अब तुम्हें कपाला को छोड़ना होगा और छोड़ना इसलिए होगा कि तुम दो सगी बहनों के पति नहीं रह सकते। समाज में धर्म में और कबीलों के रिवाज में ये बात पसंद नहीं की जाती कि दो सगी बहनें एक मर्द के घर में रहें। हम लोग इसे पाप समझते हैं। तुमने कपाला को अपनी बहन संगरी का बदला ठहराया था। इस बदले में कपाला ने कोई शिकायत नहीं की। कुकी लोग भी चुप रहे लेकिन अब बदले का अंत होना चाहिए। तुम्हें दो बहनों में से किसी एक का साथ रहना है और तुम बाली के साथ रहोगे क्योंकि वो तुम्हारे पांच बच्चों की माँ है और इसका तुम पर ज़्यादा अधिकार है। सब लोगों ने मेरी बात पसंद की। सोंगा एक बार फिर खड़ा हो गया और घूमी से मुखातिब हुआ, घूमी तुमने कपाला को संगरी का बदला ठहराया था और लोग इसे चुप रहे कि कुकी सरदार से दुखी थे, मगर मैंने सुना है तुमने कपाला के साथ अच्छा बर्ताव किया, इसे खुश रखा, सरदार ने बनाया और इसकी हर बात मानते रहे। कुकी लोग इसलिए तुमसे खुश रहे। अगर तुम कपाला को छोड़ दो मैं तुम्हें अपना नायब और जानशीन बनाने का ऐलान करता हूँ। मेरे पास सरदारी पर पहले तुम्हारा फिर मोंगा का अधिकार होगा क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम खरे आदमी हो। सोंगा के ऐलान पर सभी ने खुशी का इजहार किया। घूमी कपाला को चाहता था मगर अब इसे अपने तल्लुक की कुर्बानी देना थी तो सोंगा ने भी इसकी दिलजोई जरूरी समझी और इसे अपना जानशीन बनाने पर राजी हो गया था। घूमी खड़ा होकर कहने लगा, सोंगा तुमने मुझे अपना जानशीन बनाकर बड़ा मान दिया है। अगर तुम ये मान ना देते फिर भी मुझे तुम्हारा कहा मानना था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कुकी अपने सरदार की हुकूमतूली करे। मैं तुम्हारी कपाला और लोगों की खुशी के लिए कपाला को छोड़ता हूँ। बदले के जोश में मुझसे जो पाप हुआ इस पर शर्मिंदा हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मुझे क्षमा कर दें। घूमी ने कपाला से अलहदगी इख्तियार करके एक बार फिर कुकियों के दिल जीत लिए और इस तरह कुकी कबीले से एक बुराई का खात्मा हो गया जिस पर किसी ने तवज्जो ना दी थी। वो रात हमने कुकी बस्ती में बसर की। सोंगा मोंगा कपाला और घूमी सब जानते थे कि हम अपने घरों में पहुंचने के लिए किस कदर बेचैन थे। उन्होंने मजीद क्याम पर इसरार न किया। मैंने सोंगा से भी वही वचन लिया जो सरदार जुलाई बंजन लामा और बोरंग से ले चुका था और कहा, अब्दुल एक बार फिर कुकी बस्ती में आएगा और मेरी तरफ से एक तोहफा लेकर आएगा जिसमें तुम्हारा कपाला मोंगा घूमी और इन पांच कुकियों का जो हमारे साथ मौत की वादी तक गए बराबर का हिस्सा होगा। सोंगा मोंगा ने बुर कलर आंटी के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी हर किस्म के मुआवजे से बलातर थी। वो कोई मुआवजा चाहते भी नहीं थे लेकिन सोंगा वचन देकर मेरा तोहफा कबूल करने का पाबंद हो चुका था। मैं अब्दुल के यहाँ जो तोहफा भेजने वाला था वो खासी मालियत का था और तनहा अब्दुल का इतनी रकम लेकर सफ़र करना खतरनाक भी हो सकता था। इसलिए सोंगा से कहा,
वो चंद रोज़ के लिए मोंगा को हमारे साथ भेज दे जो अब्दुल के साथ लौट आएगा। इसने मोंगा को हमारे साथ जाने का हुक्म दिया। फिर मैंने कपाला से, जो दोबारा सरदारी बन जाने वाली थी, और घूमी से, जो सोंगा की जानशीनी पर खुश था, और दूसरे कुकियों से जिन्होंने हमारे साथ सफ़र किया था रुखसत हुआ, वो लोग दूर तक हमारा साथ आए। फिर मैंने इन्हें खुदा हाफिज़ कहा। अगला पड़ाव शुमाल मशरकी सरदी एजेंसी का आखिरी डाक बंगला था। वहाँ पहुँचे तो चौकीदार मेरे साथ अबू क्लारा आंटी मिसिस टीला जिम पाखू कोहली और संथाली मजदूरों और अब्दुल को देखकर दंग रह गया। फिर रोता हुआ अबू के पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने पकड़ के उठाया तो आंसू से भीगी भराई आवाज़ में बोला, साहिब आपके जाने के कई महीने बाद बड़े साहिब आपको ढूंढते हुए आए थे, मुझसे इनकी हालत देखी न गई, और छुप छुप के रोता रहा। फिर 15 बरस के बाद छोटे साहिब, इसने मेरी तरफ इशारा किया, अपनी पार्टी के साथ यहाँ आए। ये भी उन्हीं रास्तों पर सफ़र करना चाहते थे जिन पर आपने सफ़र किया और गुम हो गए थे। मैं इन्हें रोक ना सका। जब ये चले गए मेरे मन में रह रहकर हो उठता कि न जाने क्या हो। मैं इनके जीवन की प्रार्थना करता रहा। आज छोटे साहिब को आपको लेकर आ गए और इतने बरसों बाद आपकी शक्ल देख कर मेरा मन पिघल गया और मैं आपके चरणों में गिर गया। इस तरह चौकीदार ने डाक बंगले में हमारा स्वागत किया। रात अब्बू ने इसे और डाक बंगले के दूसरे नौकरों को अपनी मुश्किलों और मुसीबतों का हाल सुनाया और वो बढ़ता हैरत में डूब गए। अब्बू को अपने पांखू कोहली संथाली साथियों से इसी डाक बंगला में रुखसत होना था, मगर कबायली साथियों ने बाइसरार किया कि जरा ब्रह्मपुत्र तक हमारे साथ चलेंगे और जेदू के घाट पर हमसे रुखसत होंगे। यूं भी जेदू तक हमारी सवारी की जरूरत थी। हमने वो घोड़े जो कारा तमूचा और चागी की तरफ से तोहफे में मिले थे डूबा साई समेत कबायली मजदूरों में बांट दिए। सोंगा मोंगा कपाला घूमबे और अब्दुल के लिए 5-5 घोड़े मखसूस करके चौकीदार के सपुर्द किए। अब्दुल और मोंगा को डाक बंगले में वापस आना था। फिर चौकीदार और दूसरे नौकरों को इनाम देकर काफिला द्रैम बिरम पुत्र की घाट की तरफ चल दिया। शुमाल मशरकी सरदी एजेंसी के आखिरी डाक बंगले और इसकी वादी जन्नत नज़ीर से क्लारा आंटी और प्रिंस इंदिरा की बहुत सी हसीन यादें वाबस्ता थी। रवानगी के वक्त उसके पुरबहार मनाजिर को बड़े शौक से देखती रही। जेदू के घाट पर एक बड़ी बादबानी कश्ती मिल गई। हम अपने बहुत से साथियों को गारू बस्ती और कुकी कबीले में छोड़ आए थे और बहुत से साथी घाट पर हमसे बिछड़ने वाले थे। फिर भी बच्चों और तो समेत हमारा काफिला 32 अफराद पर मुश्तमिल था। कश्ती में 2 कैबिन भी थे। 32 मुसाफिरों की कश्ती नाकाफी थी, जबकि रात को इसी में सोना भी था, लेकिन वहाँ किसी स्टीमर का इंतजार फसूल था। हमने अपने कबायली साथियों को जेदू घाट पर छोड़ा और कश्ती बहाव के रुख पर आगे बढ़ाई। यूं तो बैटरी का सिलसिला सफर के दौरान चलता रहा था और इसी बहाने मैं अबू क्लारा आंटी और प्रिंस इंदिरा और सुमिल बैठते थे। हर सुबह प्रिंसेस ही चाय तैयार करती थी, लेकिन कश्ती के सफर में बैटरी की सर्विस क्लारा आंटी ने अपनी जिम्मा ले ली। इस सफर में इसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और वो दरिया के साहिलों पर बिखरे नजर देखकर खो जाती थी। कश्ती के सफर की दूसरी सुबह हम चारों बैठे बैटरी पी रहे थे। मैं क्लारा आंटी के हाथ की बनी हुई चाय की तारीफ कर रहा था। अब वो भी बड़े खुशगवार मूड में थे कि अचानक इनकी हिस्से मिजा फड़की और बड़े शगुफ्ता लहजे में बोले, अमजद बेटे, तुम्हारी क्लारा आंटी ने 15 बरस पहले कश्ती के सफर में ऐसी ही लजीज बैटरी तैयार करके मुझे फांस दिया था। इनकी इस बेसाख्तगी पर क्लारा आंटी और प्रिंस इंदिरा ने इतने जोर से हंसी के इच्छू आ गए। वो जब आंटी का इच्छू ठीक हुआ वो बोली, तुम्हारे लिए बैटरी की सर्विस मैंने अंजुमन की खातिर कबूल की, जिसने खत में ताकीद की थी कि मैं तुम्हें खुश रखूँ, मगर तुम्हें खुश रखते रखते खुद फंस गई। यकलख तब्बू चाय की प्याली फर्श पर रखकर बड़ी बेचैनी की हालत में खड़े हो गए। यमी की याद थी जिसने इन्हें अचानक बेचैन कर दिया था। इन्हें बेचैन देखकर क्लारा आंटी भी जल्दी से उठी और इनके कंधे पर हाथ रख दिया। बात हंसी से शुरू हुई थी मगर अलमनाक यादों तक पहुंच गई। कुछ घाव जिस्म के होते हैं जो भर जाते हैं, कुछ घाव रूह के होते हैं जो नहीं भरते, और भरते हैं तो एक उम्र बीत जाती है। अब्बू की रूह के घाव कुछ ऐसे ही थे, और अगर क्लारा आंटी इनकी शरीक सफ़र ना होती तो न जाने रूह के ये घाव इन्हें किस घाट उतारते। मैं और प्रिंसेस इंदिरा उन दोनों को कैबिन में छोड़कर बाहर निकल आए। बाहर ब्रह्मपुत्र के साहिलों की सुबह बड़ी खुशगवार थी। सीखवा घाट तक हमने बादबानी कश्ती में सफ़र किया। ये फैसला रास्ते में हो गया था कि पहले हम कलकत्ता जाएंगे और वहाँ से कलकत्ता मेल या होड़ा एक्सप्रेस से सफ़र करेंगे। आसाम से बंगाल की तरफ किसी लांच या स्टीमर पर दरियाई सफ़र अगरचे बड़ा खुशगवार होता है, लेकिन हमें मंजिल पर पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए आसाम से कलकत्ते का सफ़र रेलवे ट्रेन से किया और कलकत्ते में दरिया हिगली के किनारे इसी रॉयल होटल में क़्याम किया, जहाँ 15 वर्ष पहले प्रोफेसर हर्ष अपनी बीवी बेटी और मुलाजिम के साथ ठहरे और जहाँ अब्बू पहली बार क्लारा आंटी से मिले थे। कलकत्ते पहुँचकर मैंने अब्बू को बता दिया कि मुझे मौत की वादी से जब भूचाल के झटके खड में गिर गया था कुछ हीरे मिले थे और मैं चाहता हूँ कि इन्हें बेचकर रकम इन तमाम साथियों में बांट दूँ जो मेरी या इनकी पार्टी में शरीक हुए। अब्बू ने मेरे जज्बे को बड़ा सराहा और हीरे देखे तो दंग रह गए। इन्हें हीरों की पहचान थी, बोले, ये तो बड़े कीमती हीरे हैं और इन्हें कोई बड़ा जौहरी ही खरीद सकता है।
इनके नज़दीक इतने कीमती हीरों को किसी वाकिफ कार के बगैर फरोख्त करना मुनासिब ना था। सफर आसाम पर रवाना होने से पहले वो कुछ दिन कलकत्ते में ठहरे और कुछ लोगों से मिले थे। एक पारसी सेठ जमशेद से मुलाकात हो गई थी, जिसकी फर्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करती थी। अबू मुझे लेकर इसकी फर्म में पहुंचे। सेठ जमशेद से मुलाकात हुई, इसने अबू को नासिर नवाब के हवाले से पहचान लिया। बड़ी अवभगत की। अबू ने मतलब की बात बयान की तो सेठ जमशेद कुर्सी पर उछल गया। फिर दो दिन पहले का अंग्रेजी अखबार स्टेटस मैन दिखाया, जिसमें खबर छपी थी कि लंदन के मशहूर जौहरी और स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी के डायरेक्टर जनरल मिसेस स्मिथ आला दर्जे के हीरो की तलाश में आजकल कलकत्ता आए हुए हैं। इन्हें ये हीरे यूरोप की एक शाही खानदान के लिए दरकार हैं। मैं और अबू खबर पढ़कर चौंक गए। सेठ जमशेद ने बताया, मिस्टर स्मिथ ग्रैंड होटल में ठहरे हैं, सेठ ज्वाला कांत कलकत्ता में स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी का कारोबारी एजेंट और इसका दोस्त है, इससे बात करना चाहिए। फिर इसने ज्वाला कांत का पता लिया, एक तारफी रुका दिया। हमने सेठ जमशेद का शुक्रिया अदा किया और अपने होटल आ गए। वहाँ से प्रिंसेस इंदिरा क्लारा आंटी और प्रिंसेस के दोनों बॉडीगार्ड को साथ लिया और नफीस विक्टोरिया में बैठकर ज्वाला कांत की दुकान पर पहुंचे। सेठ ज्वाला कांत का नाम भी बड़ा था और काम भी, खुद भी जवाहरात का बिजनेस करता था। हमारे साथ बॉडीगार्ड देखकर बड़े तपाक से मिला। क्लर्क कारिंदे सब मोदी हो गए। मैंने सबसे पहले प्रिंसेस इंदिरा का, फिर अपने अबू नासिर नवाब का, फिर क्लारा आंटी, फिर अपना तारुफ कराया। अबू ने सेठ जमशेद का तारफी रुका पेश किया। रुका पढ़कर बड़ी शायस्तगी से बोला, क्या हीरे लाए हैं आप? मैंने अपने स्टॉक से सबसे छोटा हीरा निकालकर इसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही सेठ ज्वाला कांत चौंका, फिर मुहद्दब शीशे से जांचने परखने लगा, अपने एक्सपर्ट को दिखाया। हीरे के साथ हमारी हैसियत का भी वजन किया और 1,00,000 रुपये दाम लगाए। सेठ ज्वाला कांत ने इतराफ किया कि हीरा बड़ा आला और कीमती है, अगर इससे कोई बड़ा हीरा हो तो इसके मुँह मांगे दाम मिल सकते हैं। इसने बड़ी साफगोई से काम लेकर बताया कि ऐसे आला क्वालिटी के हीरे यूरोप के एक शाही खानदान के लिए दरकार हैं और स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी के डायरेक्टर जनरल इसी मकसद के लिए कलकत्ते आए हैं। हमारे पास जितने हीरे हैं वो बिकवा देगा, अलबत्ता कमीशन वसूल करेगा। सेठ ज्वाला कांत कारोबारी और साफगो आदमी था। अबू ने इशारा किया तो मैंने सारे हीरे निकाल कर, जिनमें नमूने के हीरे से दुगने साइज दुगने बल्कि 4 गुने हीरे थे, इसके सामने ढेर कर दिए। ज्वाला कांत की आंखों में चकाचौंध पैदा हुई, चेहरे पर इज़्तिराब के साथ मुसर्रत के आसार थे। इसने बड़े बड़े हीरे मुहद्दब शीशे से देखे। अबू बोले, सेठ ज्वाला कांत, तुम सेठ जमशेद के दोस्त हो, इसलिए हमारे भी दोस्त हो, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारा कमीशन मंजूर है, अब इनकी कीमत लगाओ। हीरा जितना बड़ा होगा इतना ही कीमती होगा। वो हीरे तो मौत की वादी के ज्वालामुखी ने उगले और आला दर्जे के थे। सेठ ज्वाला कांत इस बात पर बड़ा खुश था कि स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी को जिस किस्म के हीरे तलाश थी वो मिल गए हैं और इनकी मजमू कीमत 1,20,00,000 रुपये लगाई। इसका अपना कमीशन 1,80,000 रुपये बनता था। मिस्टर स्मिथ को ग्रैंड होटल से बुलाया गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जरिए अदायगी का बंदोबस्त हुआ। सेठ ज्वाला कांत का कमीशन 1,80,000 रुपये निकालकर हीरों की कुल कीमत 1,18,20,000 रुपये वसूल हुई। मौत की वादी से हमें बड़ा खजाना मिल गया था। मेरी और अबू की दोनों पार्टियों के अफराद की तादाद मर्दों औरतों समेत 52 थी, जो लुम्बारू की मुँह में शरीक हुए थे। 7 बच्चे अलग थे जिन्होंने मौत की वादी में जन्म लिया था। इस तादाद में उन तीनों कश्मीरी लड़कियों को शुमार नहीं किया गया जिन्हें लुम्बारू मंदिर के अगवा पुजारियों और रुखवालों से छुड़ाया गया। 52 अफराद से 9 मौत की वादी में हलाक या फोत हो गए, जिनमें प्रोफेसर विलियम हर्श, एलेक्जेंडर कूपर, बिस्वा, जर्दवैशी चांगा, यंगसी का चीनी साथी चाऊ, वीरान मंदिर का एक वासी, एक पंखू, एक गारू और एक संथाली शामिल थे। मुँह में शामिल जिंदा लोगों की गिनती 47 होती थी, जिनसे कुछ लोगों को हम गारू बस्ती और कुछ लोगों को कुकी कबीले में छोड़ाए थे। कुदरत की मेहरबानी से जो कभी हम पर खफा और कभी मेहरबान होती रही, बहुत बड़ी दौलत हाथ आ गई थी। हमने फैसला किया इन तमाम मर्दों औरतों को जो हमारी पार्टियों में आदमखोर दरिंदे को हलाक करने के अजम से शरीक हुए, फीकस 2,00,000 रुपये इन लोगों को जो तमुचा बस्ती में बंदी घर से छुड़ाए, फीकस 1,00,000 रुपये और इनके बच्चों को जो मौत की वादी में पैदा हुए, फीकस 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। तीनों कश्मीरी लड़कियों तारा डोगरी, रेशमा, राबिया को भी जो लुम्बारू का लुकमा ना बन सकी थी, 50,000 रुपये भेंट करने का फैसला हुआ ताकि इनका मुस्तकबिल खुशगवार हो। जो लोग हलाक हो गए या मर गए थे, रकम इनके वारसों को पहुंचाना थी, मगर इनमें चांका तमुचा कबीले का आदमी था जिसका कोई वारिस ना था, क्योंकि इसकी एक बेटी थी जो लुम्बारू की भेंट चढ़ चुकी थी। एक विश्वा था और किसी को भी इसके वारसों का पता ना ठिकाना मालूम ना था। चाऊ के बारे में भी पता चला कि वो तन्हा था और खुद यंगसी भी इसके दूर नज़दीक के किसी रिश्तेदार से वाकिफ ना था। दूसरे मरने या हलाक होने वाले साथियों के वर्षा को हम साथी तौर पर जानते या फिर अब्दुल जानता था, क्योंकि आसामी कबीलों को वही लेकर आया था। अबू और इनके साथियों की बाजियाबी में बोधी का किरदार सबसे अहम था। इस दो की बजाय 3,00,000 रुपये देने का फैसला हुआ। मेरी पार्टी में लास्ट नायक हरनाम सिंह ने बहादुरी जीदारी और होशियारी का आला मुजाहरा किया, इसे भी 2 के बजाय 3,00,000 रुपये देने की सिफारिश की गई। हमने सोंगा मोंगा कपाला घूमी, 5 कुकियों, सरदार जुलाई, बिंदु,
इनके गारु साथियों वीरान मंदिर के बंजन लामा, मंदिर के दूसरे वासियों नीज पांकू, कोहली, संथाली मजदूरों और डूबा साई के अलावा अब्दुल के हिस्से की रकम अलग अलग पैकेट बनाए, इन पर लाख की मोहरें लगाई। हर पैकेट में एक चिट्ठी रखी। इन पैकेटों और बंडलों को लकड़ी की दो पेटियों में इस तरह बंद किया जैसे वो अद्वियात की पेटियाँ हों, और दोनों पेटियाँ अब्दुल और मोगा के सपुर्द कर दी। रकमें बहुत बड़ी थी, चोरी राजधानी डकैती का खतरा था, मगर दोनों जमाने की सख्तियाँ झीले हुए थे और मौत से लड़ना जानते थे। फिर भी हमने हीरो की फरोख्त बैंक से रुपए की वसूली और इसे अपने होटल तक लाने में बड़ी एहतियात और राजदारी से काम लिया था। हत्ता के कलारा आंटी प्रिंसिस दरा, इसके दोनों बॉडीगार्ड मोंगा और अब्दुल के जरिए हमारे साथी भी नहीं जानते थे कि दो तीन दिन हम किन कामों में मसरूफ रहे। हमने इन्हें कलकत्ता में सैर व तफरी करने और जोखों के सफ़र के असाबी थकन दूर करने का मशवरा दिया और सबको थोड़े थोड़े रुपये भी दिए ताकि सफर व तफरी कर सकें। चौथे दिन अब्दुल और मोंगा रेल के जरिए आसाम की तरफ रवाना हुए तो हमारे साथियों ने इन्हें बड़ी खुशदिली और मोहब्बत से रुखसत किया। करेंसी नोटों के बंडल में जो चिट्ठी रखी गई थी इसका मजमून यकसा था और सबको एक ही भारत की चिट्ठी लिखी गई थी जिसका मजमून सामेईन की मालूमात के लिए सुना देता हूँ। दुनिया में आदमी बाज़ काम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करता है ताकि मखलूक खुदा का भला हो। मौत की वादी का सफ़र और जर्द वैशियों के आदमखोर देवता लुम्बारू को ख़त्म करने की मुहिम का मकसद भी यही था, इंसानों को एक खूनी जानवर से निजात दिलाई जाए जिसकी जर्द वैशी पूजा करते थे। इस नेक काम में आपने महज हमारी खातिर अपनी जान जोखों में और ज़िंदगी खतरे में डाल दी, क्योंकि इस सफ़र में ज़िंदगी हर लम्हे हमसे दूर और मौत हर लहजे हमसे करीब रही, मगर आपने बड़ी बहादुरी से सारी मुश्किलों और मुसीबतों का मुकाबला किया। हमारा सफ़र एक इलाके से दूसरे इलाके का सफ़र नहीं था, बल्कि ज़िंदगी की उन हकीकतों का मुशाहदा था जो ज़माने की नज़रों से ओझल हो चुकी हैं। हमने कदीम दौर के बड़े बड़े दोपहर जानवरों को देखा और यह भी देखा कि हमारी धरती किन हालतों से गुजरती और कितना तवील सफ़र करती यहाँ तक पहुँची है जहाँ आज है। हमारा सफ़र दुनिया की तारीख का सफ़र और धरती का सफ़र था। आपने किसी मामूली सफ़र में हमारा साथ नहीं दिया। लोग दूसरों को इस सफ़र की कहानियाँ सुनाएंगे, आपकी बहादुरी की मिसालें देंगे, आपका जिक्र किताबों में होगा और आपका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। इस सफ़र में आपने जो मुश्किलें उठाई, जो मुसीबतें झेली और जो खिदमत अंजाम दी, हम बाप बेटा इनका कोई सिला नहीं दे सकते, क्योंकि जिस मोहब्बत से आपने हमारा साथ दिया इसका कोई सिला नहीं, जिस हिम्मत से हालात का सामना किया इसका कोई मुआवजा नहीं, मगर कुदरत का दस्तूर है कि वो जिन लोगों से कोई ख़ास काम लेती है इन्हें कोई ना कोई तोहफा या इनाम भी देती है। आपके लिए भी कुदरत ने एक दरवाज़ा अपने हाथ से खोला है ताकि आपने सफ़र में जो मुश्किलें उठाई हैं इनके बदले कुछ राहतें भी हासिल कर सकें। आदमी की किस्मत में अगरचे कुछ गम लिखे होते हैं तो दूसरे वर्ग पर इसके हिस्से की कुछ खुशियाँ भी तहरीर होती हैं। ये तोहफा जो हम आपको भिजवा रहे हैं कुदरत का अतिया है, शायद इससे आपकी बकिया ज़िंदगी राहत व आराम से गुजर सके। आपके साथी नवाब नासिर हयात, अमजद नासिर। ये चिट्ठी उर्दू में तहरीर की गई थी। सामईन मासबक में पढ़ चुके हैं कि मौत की वादी में अबू ने अपने साथी को उर्दू ज़ुबान सिखाई और आसाम के कबायली और तिब्बत के गारू लोग भी 15 बरस में उर्दू लिखना पढ़ना और बोलना सीख गए थे। उस ज़माने में 2 लाख रुपये आदमी की 7 पुश्तों के लिए काफ़ी होता था और इतनी बड़ी रकम से हर शख्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकता था। अब्दुल और मोंगा की रवानगी के बाद हमने अपने साथियों को भी इनके हिस्से की रकम दी। वो इतनी दौलत देखकर हक्का बक्का रह गए, किसी ने ख्वाब में भी इतने करेंसी नोट ना देखे होंगे। हरनाम सिंह को स्पेशल खिदमत के सिले में 3 लाख रुपये मिले थे। अपने हिस्से का बंडल उठाकर मेरे कमरे में आ गया और बंडल सामने रखकर कभी नोटों की तरफ और कभी मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। बिल्कुल बदहवास हो रहा था, बल्कि पंजाबी की इस्तलाह में बोंतर गया था। इस हालत में पूछने लगा, साहिब जी मैं जागता हूँ या सूता पया हूँ? वो सफरा देख रहा हूँ। तुम जाग रहे हो हरनाम सिंह, यहाँ पर खालसा तो 1.25 लाख का होता है, आपने आपा को 3 लाख का कर देता है। मैंने नहीं, तुम्हें ऊपर वाले ने 3 लाख का कर दिया है। मैंने आसमान की तरफ उंगली उठाई। साहिब जी रब दियाँ कुदरतां अपनी समझ तो बाहर ने, कई वरे अंग्रेजा की नौकरी की पर तनख्वाह 32 रुपये तो नहीं वधी, आपकी नौकरी की कीती है, अज आप 3 लाख रुपये के बंदे बन गए हैं। यह नहीं लगता जैमें अलादीन वाला दियो मिल गया हो। दीवा रगड़िया तो नोट ही नोट आ गए। मैं मुस्कुराया, हरनाम सही है, ये नोट जरा संभाल के रखना और दौलत अकल से खर्च करना, अलादीन का दिया बार बार नहीं रगड़ा जाएगा। फिर ये दौलत आप ही संभाल के रखें साहब जी, आप आजकल जरा मुँह कूड़ा छोड़ा करते रहते हैं और आप जानते हैं शराब बड़ी कुत्ती शह है, किधरे बंडल इधर उधर ना हो जाए। मैंने ज़रा खफकी के लहजे में कहा, हरनाम सिंह मैं अभी तुम्हारी नौकरी से अलग नहीं किया, फिर तुम मेरी इजाज़त के बगैर मुँह कूड़ा किस तरह कर सकते हो? वो तो ठीक है साहब जी, पर एक कलकत्ता शहर है, इतने अपना आर्डर थोड़ा जिया ढिला ही रखें। मेरी हंसी निकल गई। इसी वक्त सूबेदार खुदादाद खान को बुलाया और हरनाम सिंह के हिस्से की रकम इसके हवाले करके हदायत की के वो ये रकम अपनी हिफाजत में रखे और लाहौर जाकर हरनाम सिंह की अमानत इसे वापस कर दे।
फिर ख्याल आया दूसरे साथियों के हिस्से भी फौजी पहरे में रहने चाहिए। लाखों रुपए का मामला था। मेरे कहने पर सब लोगों ने अपने अपने बंडल सूबेदार की तहवील में दे दिए। अलबत्ता कलकत्ते से कुछ खरीदारी करने की जरूरत के मुताबिक 2-4 हज़ार रुपये अपने पास रखने की इजाज़त दे दी गई। जिस मकसद के तहत कलकत्ता आए थे वो पूरा हो गया और अगले दिन शाम को लाहौर की तरफ रवानगी थी। हमने होड़ा एक्सप्रेस से फर्स्ट क्लास की पूरी बोगी रिजर्व करवा ली और एक दिन कलकत्ता में खरीदारी के लिए रखा था। उस दिन जब सहपैर को मैं, अबू क्लारा आंटी, प्रिंस इंदिरा, इसके दोनों बॉडीगार्ड और बोधी के हमरा कुछ खरीदारी करके होटल वापस आए तो अजीब वाक्य पेश आया। तीनों कश्मीरी लड़कियों ने अपने घर वापस जाने से इनकार कर दिया था। हम ये खबर सुनकर परेशान हो गए। प्रोफेसर असल में बताया कि मामला कुछ और है, और जब उन्होंने मामले की वजाहत की मैं धीरे धीरे मुस्कुराया। रेशमा ने राणा सफदर को और तारा डोगरी ने हरनाम सिंह को पसंद कर लिया था। प्रोफेसर कहने लगे, मैंने राणा सफदर से बात की है, वो रेशमा को पसंद करता है और सफर के दौरान दोनों में कुछ रोमांस भी हुआ है। हरनाम सिंह से पूछा, इससे आप पूछ लें। मैंने हरनाम सिंह से अलहदी में पूछा तो जेरले मुस्कुरा के बोला, आपों को तारा चंगी लगती है, आप तोपा भर दें। मैं इस बात पर बेहद खुश था कि रेशमा और तारा डोगरी को बहुत अच्छे शोहर मिल रहे थे। राणा सफदर और हरनाम सिंह ने मकबूल लड़कियों से शादी का फैसला करके इंसानी अखलाक का सबूत दिया, बल्कि बड़ी कुर्बानी दी थी। सिर्फ राबे रह गई थी। अबू क्लारा आंटी और पीसी इंदिरा से इसे बोधी के लिए मशवरा किया तो तीनों ने मेरी राय से इत्तेफाक किया। फिर राबे बोधी से बात की तो दोनों राजी हो गए। चुनांचे इसी शाम कलकत्ता में तीनों के अकद कर दिए गए और वो रात जो कलकत्ता में हमारे क्याम की आखिरी रात थी, शादी के हंगामे गुजरी। राणा सफदर, हरनाम सिंह और बोधी के पास खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए काफ़ी दौलत थी। रेशमा, तारा डोगरी और राबे को 50-50 हज़ार रुपये मिल गए थे और ये सफ़र इन तीनों जोड़ों के लिए बड़ा मुबारक साबित हुआ। तीनों जोड़े सवेरे हमें सलाम करने आए तो बड़े खुश थे। मौजी सामीन हजरात, धरती का सफ़र अपने अख्ताम की तरफ जारी है। अगली किस्त आखिरी होगी। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।